हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वानी एंड वेलकम टू ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा लेसन है डिटर्मिनर्स, जिसे हम हिंदी में निर्धारक भी कहते हैं। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपडेट्स के लिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो समझते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिटर्मिनर वो शब्द है और शब्दों का समूह है विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड डिटर्मिन्स द काइंड ऑफ रेफरेंस अ नाउन हैज, जो कि नाउन से पहले यूज़ किया जाता है और नाउन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि अ डिटर्मिनर इज़ ए वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू इंट्रोड्यूस इट और टेल अस समथिंग अबाउट इट। ए डिटर्मिनर वो शब्द है जो नाउन से पहले आता है, जो उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस करता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बारे में कुछ बताता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। जैसे कि ये हमें बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है, कितनी हो रही है, ये सब डिटर्मिनर है। और किसी भी सेंटेंस में अगर आप डिटर्मिनर यूज़ करते हो तो डिटर्मिनर के बाद नाउन यूज़ होता है, तो आपने ये याद रखना है। जैसे दैट गर्ल, ये है वह लड़की, दैट गर्ल। अब दैट गर्ल में गर्ल क्या है, गर्ल एक नाउन है और नाउन से पहले दैट यूज हो रखा है। अ गर्ल, गर्ल एक नाउन है और नाउन से पहले ए यूज हो रखा है। एक लड़की, द गर्ल्स, लड़कियां। अब यहां पे गर्ल से पहले द यूज हो रखा है। सेवन गर्ल्स, सात लड़कियाँ। अब यहाँ पे गर्ल्स से पहले सेवन यूज़ हो रखा है। ऑल गर्ल्स, सब लड़कियाँ। अब यहाँ पर गर्ल्स से पहले ऑल यूज़ हो रखा है। सो जो ये रेड कलर से हाइलाइटेड वर्ड्स है, ये सब डिटर्मिनर्स हैं जो नाउन गर्ल, जो कि एक सिंगुलर है, और गर्ल्स जो प्लूरल है, इन सब से पहले लगा हुआ है। सो ये डिटर्मिनर हमें बताता है कि वह लड़की, एक लड़की, सात लड़कियां या सब लड़कियां, तो हमें उस लड़की की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर लड़कियों की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनर। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनर के टाइप्स क्या हैं। डिटर्मिनर के टाइप्स हैं आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स। ये सब डिटर्मिनर्स के टाइप्स हैं। बट डोंट गेट कन्फ्यूज विद डेमोन्स्ट्रेटिव। डिटर्मिनर होते हैं लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम आगे की वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और पोजेसिव्स डिटर्मिनर्स भी होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ऐसे ही इंटरोगेटिव्स डिटर्मिनर्स होते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डिटर्मिनर्स के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो प्रोनाउन से मिलते हैं, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम सबसे पहले करते हैं हमारा जो फर्स्ट है टाइप ऑफ डिटर्मिनर, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल ये हम पहले की वीडियो में अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है आर्टिकल्स के बारे में तो हमारी पहली वीडियो को चेक कर सकते हो। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स
दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अब आपको पता है कि डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन से पहले लगता है, तो आर्टिकल एक डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर हमें नाउन के बारे में क्या बताती है, कि वो स्पेसिफिक है, कोई किसी स्पेसिफिक है पर्सन के बारे में बात हो रही है या फिर अनस्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आर्टिकल्स जो हैं वो टू टाइप्स में होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं, द, और इनडेफिनेट है ए और एन। तो द आप कहाँ यूज़ करते हो, द जो होता है वो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक नाउन्स को, कोई स्पेसिफिक नाउन। स्पेसिफिक क्या होता है, जिसके बारे में आप पहले से कुछ जानते हो, उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हैव सीन सेकेंड टाइम, जिसको आप दूसरी बार देख चुके हो, ठीक है। तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता है कि वो नाउन क्या है। और जो ए और एन है वो इंडिकेट करते हैं अनस्पेसिफिक नाउन्स। अनस्पेसिफिक क्या होता है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, उसे हम बोलते हैं अनस्पेसिफिक, या फिर कह सकते हैं कि हैव सीन फर्स्ट टाइम, जिसे आपने पहली बार देखा होता है, उसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। अब आपको पता है कि डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन से पहले लगता है, तो आर्टिकल्स में क्या होगा, आर्टिकल जो होगा वो नाउन से पहले लगेगा, जैसे द, ए और एन, उसके बाद नाउन लगेगा। अब जैसे आपको पता है कि जो द टी एच ई की जो प्रोनंसिएशन है वो या फिर द होती है या फिर दी होती है, तो द कब होती है और दी कब होती है, इस पर भी हमारा एक वीडियो है, वो आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर टी एच ई वाउल लेटर से पहले यूज़ होता है तो आप इसे दी बोलोगे, और अगर ये कॉन्सोनेंट लेटर्स से स्टार्टिंग जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले यूज़ होता है तो आप इसे द बोलोगे। तो ये है प्रोनंसिएशन ऑफ दी की, दी या फिर द। एग्जाम्पल्स विद डेफिनेट आर्टिकल टी एच ई, जिसे हम द या फिर दी बोलते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द डॉग इज बार्किंग, अब यहाँ पर हमने द इसको प्रोनाउंस किया है, क्यों किया है, क्योंकि डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो ये है कुत्ता भौंक रहा है, अब यहाँ पर डॉग एक नाउन है, उससे पहले हमने आर्टिकल यूज कर रखा है, सो आर्टिकल क्या हुआ, डिटर्मिनर। तो यहाँ पर डिटर्मिनर आर्टिकल टी एच ई है और डॉग एक नाउन है। नेक्स्ट है द रेस्टोरेंट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ये है रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था, तो यहाँ पर भी रेस्टोरेंट एक नाउन है, उससे पहले डिटर्मिनर आर्टिकल टी एच ई है। नेक्स्ट है हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के, तो इन ए सेंटेंस व्हेन नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर होता है एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब उसके बारे में आप नहीं जानते हो कुछ भी, देन आर्टिकल ए या फिर एन यूज़ किया जाता है। जैसे अ बॉय इज़ वॉकिंग, अब यहाँ पर एक लड़का चल रहा है, तो यहाँ पर ए डिटर्मिनर आर्टिकल ए है और बॉय नाउन है, तो नाउन से पहले डिटर्मिनर आर्टिकल यूज हो रखा है। नेक्स्ट है एन इंक पॉट इज सिंपली अ स्मॉल पॉट, अब यहां पर देखिए इंक पॉट से पहले एन यूज हो रखा है, क्योंकि आई जो है वो एक वाउल लेटर है, इसीलिए यहां पर एन यूज हो रखा है। तो ये है कि एक स्याही दावत केवल एक छोटा बर्तन है, तो यहाँ पर इंक पॉट एक नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल ए एन यूज हो रखा है, जो कि एक डिटर्मिनर है। एन इज यूज्ड व्हेन
वर्ड या फिर नाउन बिगिंस विद वाउल साउंड एंड तब यूज़ किया जाता है अगर कोई भी जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो एक वाउल साउंड से स्टार्ट हो रखा है। तो आपने वाउल लेटर्स याद नहीं रखने हैं। आपको पता है जो वाउल लेटर्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, टोटल 5 होते हैं वाउल्स। लेकिन हमने साउंड्स याद रखना है जहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं। तो साउंड्स कौन से होते हैं? जितने भी हिंदी के स्वर होते हैं। स्वर कौन से हैं? अ से अ तक, और अ से अ ये सब स्वर हैं। तो आपने सिर्फ इसका साउंड देखना है कि ई जो है यहाँ पर एक साउंड है, ई एक वाउल साउंड है, इसीलिए हमने एन यूज़ हो रखा है। तो आपने मेजॉरिटी में आपने साउंड्स देखना है एन यूज़ करने के लिए, ना कि आप वाउल्स देखोगे। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एप्पल, तो यहाँ पर एन यूज़ हो रखा है। अब वाउल तो है ए, लेकिन ए जो है एक साउंड ए की साउंड है, एक वाउल साउंड है, इसीलिए हमने एन यूज़ कर रखा है। एंड एलिफेंट एंड ऑनेस्ट, अब यहाँ पर देखिए एच है वो एक वाउल लेटर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो ऑनेस्ट ओ साउंड यहाँ पर आता है, इसीलिए हम एन यूज़ करेंगे। एंड आवर, अब यहाँ पर आ साउंड आ रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ कर रखा है। तो एन यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ वाउल साउंड्स देखना है, ना कि आप वाउल्स देखोगे। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, ए इज़ यूज्ड व्हेन वर्ड जो नाउन है बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ पर भी साउंड्स हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं क से ज्ञ, जो व्यंजन है इनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट्स वैसे इंग्लिश में कितने होते हैं? 21, बी सी डी एफ जी एच, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं जो 21 हैं। लेकिन साउंड्स जो हैं ये क से ज्ञ तक हैं, जैसे अ बॉय, अ पेन। अ बॉय में ब साउंड है, राइट, ब, इसीलिए यहाँ पर ए यूज़ हो रखा है। पेन में प साउंड है, इसीलिए जैसे प साउंड आ रहा है इसीलिए ए यूज़ हो रखा है। अ चेयर, अ बुक, अ गर्ल, तो ये सब साउंड्स के अकॉर्डिंग ही हम ए और एन का यूज़ सेंटेंसेस में नाउन से पहले करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनर है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं, दीज आर यूज टू इंडिकेट द पोजिशन और लोकेशन ऑफ ए नाउन। ये यूज़ किए जाते हैं नाउन की पोजिशन के बारे में या फिर उसकी लोकेशन के बारे में, कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं ये हैं, इसके एग्जांपल्स दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस जिसे हम हिंदी में यह कहते हैं, दैट इसे हम हिंदी में वह कहते हैं, दीज इसे हम हिंदी में ये कहते हैं, दोज इसे हम हिंदी में वे कहते हैं। अब दिस कहाँ पर यूज़ होता है? दिस यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ, वो नाउन जो एक हो, सिंगल हो, उसके साथ हम दिस यूज़ करते हैं। लेकिन सिंगल में कौन सा नाउन? जो आपके नज़दीक हो, जिसको आप छू सको, उसके लिए आप दिस यूज़ करोगे। और दैट, दैट भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, एक अकेले नाउन के साथ यूज़ होता है, लेकिन वो नाउन हमसे दूर होना चाहिए, मतलब आप उसको छू नहीं सकते हो, वहाँ पर आप दैट यूज़ करोगे। दीज प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, एक से ज़्यादा जो नाउन होते हैं उनके साथ यूज़ होता है, और वो नाउन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं, जिसे आप छू पाते हो, वहाँ पर आप दीज यूज़ करोगे। और दोज कब यूज़ करोगे? प्लूरल नाउन के साथ, एक से ज़्यादा नाउन के साथ, लेकिन वो नाउन आपसे दूर होते हैं, वहाँ पर आप दोज यूज़ करोगे। तो ये सब आपने याद रखना है कि दिस कहाँ पर यूज़ करना है, दैट कहाँ पर यूज़ करना है, दीज कहाँ यूज़ करोगे और दोज कहाँ पर यूज़ करोगे।
सो आपको पता है कि डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले लगता है, ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एक डिटर्मिनर है और वो नाउन से पहले लगेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है दिस दैट दिस दोस, तो ये सब नाउन से पहले लगते हैं। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के। दिस बुक इज माइन, अब यहाँ पर देखिए बुक एक नाउन है, उससे पहले दिस यूज हो रखा है। दिस अब आपको पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, बुक एक है इसीलिए हमने दिस यूज हो रखा है, यूज कर रखा है। और बुक जो है वो हमारे पास है, हमारे नज़दीक है, उसे हम छू सकते हैं, इसीलिए दिस यूज कर रखा है। तो यह किताब मेरी है। अब यहाँ पर देखिए दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है और बुक एक नाउन है। नेक्स्ट है दैट रेस्टोरेंट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वह रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था। अब वहाँ पर वह रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था, वह यूज़ हो रखा है। तो दैट रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट सिंगल है, सिंगल के साथ आपने दैट यूज़ कर रखा है, दैट मीन्स वो रेस्टोरेंट आपसे दूर है, आपके पास नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, इसीलिए दैट यूज़ कर रखा है। तो दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। अब यहाँ पर दीज यूज़ कर रखा है, अब बुक्स जो है वो प्लूरल आ गया। दीज मीन्स वो बुक्स आपके पास हैं, एक से ज़्यादा हैं आपके पास है, इसीलिए दीज वर्ड यूज़ कर रखा है। तो दीज यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आपको पता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आपको पता लग गया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो होते हैं इज यूज्ड विद ए नाउन और बिफोर ए नाउन, जो नाउन के साथ यूज़ होते हैं या फिर नाउन से पहले यूज़ होते हैं। तो नाउन के साथ और पहले तो एक ही मतलब है। तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ नॉट फॉलोड बाय नाउन, तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के साथ फॉलोड नहीं होता, बल्कि नाउन को रिप्लेस करता है। ये नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता है ही शी इट, शी जो होता है वो गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ही बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो मेल होते हैं, और इट जो होता है वो थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो बॉय जो होते हैं, अगर किसी का भी नाम आता है राम श्याम मोहन, तो उसकी जगह आप ही यूज़ करोगे। तो ये एक तरह से ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स हैं दिस दैट दीज दोज, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के भी एग्जांपल हैं दिस दैट दीज दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर अब आपको पता है कि वो नाउन से पहले लगता है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन को ही रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पर यूज़ करते हैं दिस दैट दीज एंड दोज। अब इसके एग्जांपल्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के, दैट कार, अब कार एक नाउन है, उससे पहले दैट यूज़ कर रखा है, दिस कार, दोज पीपल, दीज पीपल। एग्जांपल है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का, दीज बिल्डिंग्स आर रियली टॉल। अब यहाँ पर बिल्डिंग्स एक नाउन है, उससे पहले डिटर्मिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर दीज यूज़ कर रखा है। और नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है दीज आर रियली टॉल बिल्डिंग्स। अब दीज एक इंडिपेंडेंट है, इसके बाद नाउन यूज़ नहीं कर रखा है, इसीलिए ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह यूज़ कर रखा है। दीज बिल्डिंग्स को ही बोला गया है, दीज जो है वो किसको किसके लिए यूज़ कर रखा है, बिल्डिंग्स की जगह पर यूज़ कर रखा है। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव्स। पोजेसिव्स क्या हैं? इट इज यूज टू शो द पोजेशन ऑफ द थिंग रेफर्ड बाय द फॉलोइंग नाउन। किसी चीज़ का, चीज़ पर अपना अधिकार करना,
उसे हम बोलते हैं पोजेसिव्स। जैसे ये एंड टेल्स अस हु ऑन समथिंग, किसके पास क्या है, तो ये एक पोजेसिव्स डिटर्मिनर्स हैं। पोजेसिव्स के एग्जांपल्स हैं माय, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर। अब यहाँ पर देखिए माय मेरी, हिज और हर मीन्स उसकी, इट्स इसकी, आर हमारी, देयर उनकी, योर आपकी। अब यहाँ पर हमें पता है कि डिटर्मिनर के बाद नाउन यूज़ करते हैं, सो डिटर्मिनर है पोजेसिव, उसके बाद नाउन यूज़ हो रखा है, तो इसके एग्जांपल्स हैं माय, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर, तो इन सब के बाद नाउन यूज़ होता है। सो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, माय फादर इज़ अ डॉक्टर। अब फादर एक नाउन है, उससे पहले माय यूज़ हो रखा है, जो अधिकार बता रहे हैं कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी, तो ये एक अधिकार बता रहे हैं कि किसके पिताजी, मेरे पिताजी। तो यहाँ पर माई एक पोजेसिव डिटर्मिनर है और फादर एक नाउन है। नेक्स्ट है हर मदर वेंट टू द मार्केट, उसकी माँ बाज़ार गई थी। अब यहाँ पर देखिए मदर से पहले हर का यूज़ हो रखा है, तो यहाँ पे हर एक पोजेसिव डिटर्मिनर है और मदर एक नाउन है। Their books are collected from the library. अब यहाँ पर books से पहले their use कर रखा है, their क्या है यहाँ पे possessive determiner है और books एक noun है, उनकी पुस्तकें पुस्तकालय से एकत्र की जाती हैं। अब what is the difference between possessive determiners and possessive pronoun? तो इन दोनों में difference क्या है, तो difference देखते हैं। Possessive determiner, a possessive determiner is used with a noun or before a noun. Possessive determiner जो है वो noun से पहले use किया जाता है, और possessive pronoun is used in place of a noun. A pronoun आपको पता है कि noun की जगह use किया जाता है, उसको replace कर देता है, so it is not followed by noun. तो ये noun को follow नहीं करता। पोजेसिव डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स हैं माय, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर। और पोजेसिव डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले यूज़ होता है, जैसे माय कार, हिज कार, आर कार्स, योर कार्स, देयर कार्स, एक्सेट्रा। और इसका सेंटेंस है जो कि एग्जांपल है पोजेसिव डिटर्मिनर का, दिस इज़ योर कार। अब यहाँ पर कार एक नाउन है, उससे पहले योर यूज़ हो रखा है, जो कि एक पोजेसिव डिटर्मिनर है। ऐसे ही जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उसके एग्जांपल्स हैं माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। और जैसे दिस कार इज़ योर्स, अब यहाँ पर योर नहीं है, योर्स हैं, तो थोड़े से जो हैं जो इसके एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये लास्ट में जो ये वर्ड्स हैं लास्ट में यूज़ होते हैं सेंटेंस में। दिस कार इज़ योर्स, ये कार तुम्हारी है। अब यहाँ पर जो योर्स हैं उसके बाद नाउन यूज़ नहीं हो रखा है, इसीलिए ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। सो पोजेसिव डिटर्मिनर्स आर आल्सो कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव डिटर्मिनर्स को हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव्स के भी सेम ऐसे ही एग्जांपल्स होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स, दीज आर यूज टू मॉडिफाई अ नाउन टू इंडिकेट इट्स क्वांटिटी। ये यूज़ किए जाते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए। जैसे हाउ मैनी, कितने, हाउ मच, कितना, तो ये ज़्यादातर हमें बताते हैं कि हाउ मैनी, कितना, हाउ मच, कितने और कितना, ये सब हमें क्वांटिफायर्स बताते हैं। अब क्वांटिफायर्स जो होते हैं उसके एग्जांपल्स हैं एनी, मैनी, मच, सम, अ फ्यू, फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लिटिल, अ लिटिल, इनफ, ये सब क्वांटिफायर्स के एग्जांपल्स हैं।
देयर आर सम रूल्स फॉर यूजिंग क्वांटिफायर्स, लेकिन क्वांटिफायर्स को यूज करने के रूल्स होते हैं. जैसे सम आर यूज्ड ओनली विद द काउंटेबल नाउन्स. कुछ जो क्वांटिफायर्स होते हैं, जो ये एग्जांपल्स हैं, कुछ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ ही यूज कर सकते हैं. तो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, एक होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं. काउंटेबल से ही आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं. जैसे पेन, बुक, टेबल, ये सब क्या है? एक सिंगल सिंगुलर हैं, एक एक हैं, एक से ज़्यादा नहीं हैं. और पेंस, बुक्स, टेबल्स, ये प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, और इन सबको हम काउंट कर सकते हैं. एक पेन, दो पेन, तीन पेन, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, ये सब काउंटेबल हैं. ऐसे ही जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये नाउन्स जो होते हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे राइस, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को नहीं कर सकते, सॉल्ट को नहीं कर सकते. तो ये सब क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स. अब जैसे हमें पता है कि जो डिटर्मिनर है वो नाउन से पहले लगता है, तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनर है क्वांटिफायर, ये नाउन से पहले लगेगा. और इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे एनी, मैनी, मच, सम, अ फ्यू, फ्यू, ये सब नाउन से पहले लगते हैं. चलिए अब हम समझते हैं कि ये सब जो क्वांटिफायर्स हैं ये कैसे और कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. चलिए हम देखते हैं अब क्वांटिफायर्स काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, और जो दोनों के साथ यूज़ किए जाते हैं. काउंटेबल पता है आपको, जैसे पेन, बुक, टेबल, इन ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं. अनकाउंटेबल जो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस, शुगर और सॉल्ट. तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं क्वांटिफायर्स के जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं? वो है मैनी, अ फ्यू, फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, ये सब काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं. मैनी का मतलब बहुत, अ फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, सेवरल अनेक, अ नंबर ऑफ कई, अ मेजॉरिटी ऑफ बहुसंख्यक. ऐसे ही ऐसे क्वांटिफायर्स जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेस जिसे हम बोलते हैं कम, लिटिल अ लिटिल मतलब थोड़ा एक छोटी सी, मच बहुत, अ लार्ज अमाउंट ऑफ बड़ी मात्रा में, ये सब जो क्वांटिफायर्स हैं, जो टाइप्स हैं क्वांटिफायर्स के एग्जांपल्स हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं. और ऐसे जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं वो हैं सम, एनी, इनफ, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ. सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई भी, इनफ पर्याप्त, अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ मतलब बहुत. तो ये सब ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जिनको हमने डिफरेंशिएट किया है, जो कि कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल के साथ यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं टाइप्स जो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ किए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपको याद रखना है. चलिए क्वांटिफायर देखते हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं. काउंटेबल नाउन, अब ऐसे क्वांटिफायर जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो पहला है मैनी, जिसे हम कहते हैं बहुत. और मैनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. तो बहुत ज़्यादा जो है वो नाउन्स को फॉलो कर रहा है, तो नाउन भी बहुत ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, इसीलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे. और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड. अब यहाँ पर देखिए बुक्स जो हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं और मैनी एक क्वांटिफायर है. तो ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि जो मैनी है वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो रखा है. नेक्स्ट है आई हैव मैनी बुक्स. अब बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं, उससे पहले मैनी यूज़ हो रखा है. नेक्स्ट है देयर आर नॉट मैनी बुक्स लेफ्ट. अब मैनी जो है वो बुक से पहले यूज़ हो रखा है. तो ये सब बता रहा है कि क्वांटिफायर जो मैनी है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है. ऐसे ही नेक्स्ट हमारा काउंटेबल नाउन जो है
वो है अ फ्यू एंड फ्यू, ऐसे क्वांटिफायर्स जो किस काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं. अ फ्यू मतलब कुछ. तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ अ फ्यू और फ्यू का यूज़ करते हैं. तो अ फ्यू जो है इसका मतलब क्या होता है? नॉट मैनी बट इनफ. तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है कि अ फ्यू कहाँ पर यूज़ करना है और फ्यू कहाँ पर यूज़ करना है. तो इन दोनों का मतलब क्या है? अ फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट इनफ, मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन काफ़ी हैं, इससे काम चल जाएगा. तो वहाँ पर उस सेंटेंस में हम नाउन से पहले यूज़ करेंगे अ फ्यू. बहुत नहीं लेकिन पर्याप्त. नेक्स्ट है, तो ये हमें क्या दे रहा है? एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है. मतलब आपके पास चीज़ है, क्वांटिटी इनफ है, उससे गुजारा हो सकता है. फ्यू, फ्यू का मतलब होता है नॉट इनफ, मतलब ज़्यादा नहीं है, काफ़ी नहीं है, उससे गुजारा नहीं हो सकता. तो एक या दो है, तो यहाँ पर पर्याप्त नहीं है. तो ये क्या दे रहा है हमें? एक तरह से नेगेटिव फीलिंग दे रहा है कि मतलब आपके पास वो चीज़ ज़्यादा नहीं है, पर्याप्त नहीं है. तो अ फ्यू और फ्यू वो क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है. तो अ फ्यू कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग हो रही हो, दो से ज़्यादा चीज़ें हों जो कि पर्याप्त हों, काफ़ी हों, जिससे गुजारा हो रहा हो. लेकिन अगर नहीं हो रहा हो, आपके पास पर्याप्त नहीं हो, तो वहाँ पर आप फ्यू यूज़ करोगे. तो ये डिफरेंस है अ फ्यू और फ्यू में. दोनों का मतलब तो एक होता है, लेकिन यूज़ करते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या आप बात कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अ फ्यू और फ्यू का यूज़ करोगे. अब जैसे सेंटेंसेस हैं, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल. अब अ फ्यू बुक्स मतलब मोर देन टू, उससे आपका गुजारा हो रहा है, पर्याप्त बुक्स हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है. अ फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, इसका मतलब है दो से ज़्यादा लड़कियां हैं, पर्याप्त गर्ल्स हैं. तो अ फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, ये भी पॉजिटिव फीलिंग है. तो यहाँ पर क्या है? मोर देन टू है. और नेक्स्ट है, देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ बुक्स हैं. तो कुछ क्या है? मतलब पर्याप्त नहीं है. तो यहाँ पर एक नेगेटिव फीलिंग है. नेक्स्ट है, फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, मतलब पर्याप्त गर्ल्स नहीं हैं, फ्यू गर्ल्स हैं, फ्यू गर्ल्स वन और टू. तो ये एक नेगेटिव फीलिंग है. तो ये डिफरेंस है अ फ्यू और फ्यू में. जो क्वांटिफायर्स अ फ्यू और फ्यू हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं. लेकिन कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है. जो पॉजिटिव फीलिंग वाले होते हैं वो है अ फ्यू, और नेगेटिव फीलिंग वाला जो क्वांटिफायर है वो है फ्यू. नेक्स्ट काउंटेबल नाउन में क्वांटिफायर है सेवरल. अब सेवरल का मतलब होता है अनेक. तो अनेक जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा. तो सेवरल प्लेयर्स वर प्लेइंग फुटबॉल. अब यहाँ पर देखिए, सेवरल प्लेयर्स, प्लेयर्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले सेवरल का यूज़ हो रखा है. सो सेवरल यहाँ पर एक क्वांटिफायर है. नेक्स्ट है, सेवरल स्टूडेंट्स वर इंजर्ड. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले सेवरल का यूज़ हो रखा है. तो यहाँ पर सेवरल एक क्वांटिफायर है. नेक्स्ट काउंटेबल नाउन में क्वांटिफायर है अ नंबर ऑफ. अ नंबर ऑफ मतलब कई, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है. जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ट द एग्ज़ाम. अब यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अ नंबर ऑफ एक क्वांटिफायर है. अ मेजॉरिटी ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ मतलब बहुसंख्यक, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है. तो काउंटेबल नाउन के साथ अगर आप क्वांटिफायर्स के जो टाइप्स है यूज़ करते हो, तो वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ किए जाते हैं. अब जैसे इसका सेंटेंस है, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्ज़ाम. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अ मेजॉरिटी ऑफ एक क्वांटिफायर है.
सो नेक्स्ट क्वांटिफायर जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिफायर है पहला लेस। लेस मतलब कम, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। और जैसे आई हैव लेस मनी, मनी से पहले लेस यूज़ कर रखा है, लेस एक क्वांटिफायर है, मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। शी स्पेंट लेस टाइम, टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेस एक क्वांटिफायर है। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन जिसके साथ हम क्वांटिफायर लिटिल और लिटिल यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है थोड़ा, एक छोटी सी, तो इन दोनों का मतलब ये है। अब ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन लिटिल और लिटिल कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? अ लिटिल, अ लिटिल क्या होता है, जैसे हमने अ फ्यू और फ्यू में देखा था, ऐसे सेम अ लिटिल और लिटिल में डिफरेंस है। तो अ लिटिल मीन्स नॉट इनफ, नॉट मैनी बट इनफ, ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी है, तो मतलब दो से ज़्यादा, बहुत नहीं लेकिन पर्याप्त। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं। और जो लिटिल है इसका मतलब है नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं, और ये एक नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं। तो लिटिल जो है नेगेटिव फीलिंग में यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, और अ लिटिल जो है वो पॉजिटिव फीलिंग के लिए सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अब जैसे शी हैड अ लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क, अ लिटिल टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम है लेकिन काफ़ी है टाइम उस टास्क को फिनिश करने के लिए, तो बहुत नहीं लेकिन पर्याप्त। नेक्स्ट है शी हैड लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क, अगर आप अ लिटिल की जगह लिटिल यूज़ करोगे मतलब फिर पर्याप्त टाइम नहीं है उसके पास, पर्याप्त टाइम नहीं है, तो शी हैड लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क, उसके पास बहुत कम समय है टास्क को फिनिश करने के लिए, तो यहाँ पर टाइम जो होगा वो पर्याप्त नहीं होगा, मतलब उसकी जो सेंस है वो एक तरह से नेगेटिव फीलिंग में है और इसकी जो सेंस है वो पॉजिटिव फीलिंग में है। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन जिसके साथ क्वांटिफायर मच यूज़ किया जाता है, मच मीन्स बहुत, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। जैसे हाउ मच राइज डू यू वांट, अब यहाँ पर राइज एक अनकाउंटेबल नाउन है और मच एक क्वांटिफायर है। नेक्स्ट है शी डज नॉट हैव मच टाइम, अब टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है और मच एक क्वांटिफायर है। She has much time. अब यहाँ पर देखिए time एक uncountable noun है और much एक quantifier है, तो ये सब examples थे quantifiers के। Next uncountable noun है a large amount of, जिसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में। अब इसमें देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन में जो क्वांटिफायर है अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगेगा। और जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आई रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फीडबैक, अब फीडबैक एक अनकाउंटेबल नाउन है और लार्ज अमाउंट ऑफ एक क्वांटिफायर है। नेक्स्ट हमारा क्वांटिफायर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो दोनों के साथ ही लगता है, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसमें यूज़ होने वाले क्वांटिफायर में पहला है सम, सम मतलब कुछ, कुछ जो है वो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस है आई हैव सम फ्रूट्स, अब यहाँ पर देखिए फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उससे पहले क्वांटिफायर यूज़ कर रखा है सम, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है सम एप्पल्स आर ऑन द टेबल, अब यहाँ पर देखिए एप्पल्स से पहले सम यूज़ कर रखा है और सम एक क्वांटिफायर है और एप्पल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि नॉट यूज़ नहीं कर रखा है, ये एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ हमने क्वांटिफायर सम यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट है विल यू गिव मी सम वाटर,
अब वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमने सम यूज़ कर रखा है और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आस्किंग समथिंग, कुछ पूछ रहे हो आप। नेक्स्ट है वुड यू लाइक सम वाटर। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर वुड यू लाइक सम वाटर कुछ ऑफर कर रहे हो, तो ऑफरिंग समथिंग। यहाँ पर वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और सम एक क्वांटिफायर है। ऐसे ही नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू गिव हर सम एडवाइस। तो इस सेंटेंस में आप किसी को सुजेस्टिंग कर रहे हो, कुछ सुजेस्ट कर रहे हो, तो ये सब एक अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होने वाला क्वांटिफायर है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो सम है ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है, और या किसी से आप कुछ पूछ रहे हो, आस्किंग समथिंग, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, ऑफरिंग समथिंग, और किसी को कुछ सुजेस्ट कर रहे हो, सुजेस्टिंग समथिंग। इन सब के साथ हम सम यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो सम है वो किन के साथ यूज़ किया जाता है, किन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। या तो सेंटेंसेस पॉजिटिव होंगे, या फिर आप उन सेंटेंसेस में किसी से कुछ पूछ रहे हो, किसी को ऑफर कर रहे हो, या किसी को सजेस्ट कर रहे हो। तो ये सब जो हैं ये आपको बताते हैं कि सम कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि किन सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होने वाला क्वांटिफायर एनी। एनी मीन्स कोई भी, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे हैव यू गॉट एनी पेंस, तो यहाँ पर आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन एनी के साथ आप पेंस यूज़ करोगे, पेन यूज़ नहीं करोगे, प्लूरल यूज़ करोगे काउंटेबल नाउन। तो हैव यू गॉट एनी पेंस, तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेक्स्ट है आई हैव नॉट गॉट एनी पेंस, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया है सेंटेंस, और यहाँ पर ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसके साथ आप एनी यूज़ कर रहे हो। दीज आर काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल में हैं। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये क्वेश्चंस में जहाँ पर आप किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हो वहाँ पर एनी यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, राइट। तो पहले में आपने काउंटेबल नाउन्स यूज़ कर रखा है जो प्लूरल में हैं, नेक्स्ट में अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ आपने एनी यूज़ कर रखा है। लेकिन किन सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए, या तो सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे या फिर उसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप एनी यूज़ करोगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस में कभी भी आप एनी यूज़ नहीं करोगे, हमेशा नेगेटिव में यूज़ करोगे और क्वेश्चंस पूछने में यूज़ करोगे। और क्वेश्चंस में इफ़ देयर इज़ सम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, क्वेश्चन में अगर आप पूछ रहे हो तो आप वो पूछोगे जो पर्टिकुलर थिंग हो, उसमें आप इन एनी क्वांटिफायर का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, जिनके साथ हम क्वांटिफायर इनफ यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। तो यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा। जैसे आई हैव इनफ फ्रूट्स, अब यहाँ पर देखिए फ्रूट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले इनफ एक क्वांटिफायर है, सो ये एक पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे नॉट यूज़ नहीं करेगा, जहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू यू हैव इनफ एप्पल्स, अब यहाँ पर देखिए इनफ जो है वो एक क्वांटिफायर है और एप्पल्स जो है वो एक काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये सब काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होने वाला जो क्वांटिफायर इनफ है।
नेक्स्ट है आई डोंट हैव इनफ शुगर. अब यहाँ पर शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनफ एक क्वांटिफायर है. डोंट यूज़ कर रखा है आप, नॉट यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. हैव यू गॉट इनफ मनी फॉर द टिकट्स. अब यहाँ पर देखिए हैव यू गॉट एक क्वेश्चन पूछ रहे हो और ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ कर रखा है इनफ, और मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है. तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होने वाला क्वांटिफायर इनफ है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इनफ हम किन सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट है वो क्वांटिफायर जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, वो है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत. तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है. जैसे देयर आर अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स, राइट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. और नेक्स्ट है देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है. तो दोनों का मतलब एक है. तो ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं. ऐसे ही देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर. तो आप अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ दोनों यूज़ कर सकते हो प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स में. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. देयर इज़ लॉट्स ऑफ वाटर, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है. दैट मीन्स अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आप दोनों में ही यूज़ कर सकते हो. दोनों का मतलब एक ही होता है. तो दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हो. तो ये एक जो वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन्स है दोनों सेंटेंसेस में. तो ये ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस में अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज़ किया जाता है. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो आपने ये कंफ्यूज़ नहीं होना है कि जैसे अ फ्यू फ्यू है, अ लिटिल लिटिल है, कि उन दोनों में तो डिफरेंस था, लेकिन अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है. आप अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हो या फिर आप लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हो. दोनों ही सही हैं, दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. ये थे हमारे क्वांटिफायर्स. नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनर है डिस्ट्रीब्यूटिव. तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना. अब डिस्ट्रीब्यूट होता है वितरण. अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, या तो किसी एक अकेले ग्रुप लोगों का ग्रुप, या थिंग्स, या टू इंडिविजुअल मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप, या फिर ग्रुप के हर एक मेम्बर्स, उसको ये रेफर करता है. एंड दे एक्सप्रेस हाउ समथिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर्ड और डिवाइडेड. और ये एक्सप्रेस करते हैं किस तरह से चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, शेयर की जाती है, या फिर डिवाइड की जाती है. जैसे हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन से ही पता लग रहा है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं. ऑल, बोथ, हाफ, इधर, नीदर, ईच, एवरी. तो ऑल क्या होता है? सब, बोथ दोनों, हाफ आधा, इधर कोई एक, नीदर कोई नहीं, ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक. अब हमें पता है कि डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले लगता है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो नाउन से पहले लगेगा. और इसके एग्जांपल्स ये सब हैं, ये सब नाउन से पहले लगते हैं. अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं. जैसे ईच एवरी, अब जैसे ईच और एवरी जो होता है इसका मतलब होता है प्रत्येक. अब ईच एवरी प्रत्येक होता है, बोथ होता है दोनों, इधर नीदर और हाफ और ऑल, तो ये सब कहाँ लगते हैं? अब ईच और एवरी, टू टॉक अबाउट मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल्स, हर एक व्यक्ति के बारे में, हमें किसी ग्रुप में एक एक व्यक्ति के बारे में बात करनी हो तो हम ईच और एवरी यूज़ करोगे. बोथ कब यूज़ करोगे? टू टॉक अबाउट पेयर्स ऑफ पीपल और थिंग्स, किसी भी पेयर्स की बात कर रहे हो, लोगों का पेयर या फिर चीज़ों का पेयर, उसमें हम बोथ यूज़ करेंगे. दोनों, इसका मतलब होता है दोनों. तो इधर और नीदर कहाँ यूज़ करते हैं? टू टॉक अबाउट पॉसिबल चॉइसेस बिटवीन टू पीपल और थिंग्स, उन दोनों के बीच में चॉइसेस होना, किसी भी दो चीज़ों में चॉइस करना, या फिर एक या फिर कोई नहीं.
हाफ क्या होता है? टू टॉक अबाउट अ डिवाइडेड ग्रुप. डिवाइडेड ग्रुप मतलब एक ग्रुप, एक चीज़ है उसको डिवाइड करना टू इक्वल हाफ्स में, थ्री इक्वल हाफ्स में, उसे हम बोलेंगे हाफ. ऑल क्या होता है? टू टॉक अबाउट द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात करना, उसको हम बोलेंगे ऑल. अब ईच और एवरी, इसका मतलब होता है प्रत्येक. दीज डिस्ट्रीब्यूटिव्स कैन ओनली बी यूज विद काउंटेबल नाउन्स, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. और ईच चाइल्ड, और वो सिंगुलर होना चाहिए. अब जैसे ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ गिफ्ट, अब यहाँ पर ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है और चाइल्ड एक नाउन है. ऐसे ही एवरी चाइल्ड वॉज गिवन अ गिफ्ट, तो चाइल्ड मतलब दोनों का मतलब एक ही है. आप ईच भी यूज़ कर सकते हो, एवरी भी यूज़ करोगे, लेकिन जो नाउन होगा वो काउंटेबल नाउन होगा लेकिन सिंगुलर होगा, क्योंकि इसका मतलब ही प्रत्येक होता है. तो प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बच्चे नहीं, प्रत्येक बच्चा. तो चाइल्ड जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. तो प्रत्येक बच्चे को एक उपहार दिया गया था. एग्जाम्पल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के, जैसे इसमें बोथ आ जाता है. अब इसका मतलब होता है दोनों. टू टॉक अबाउट पेयर्स ऑफ पीपल और थिंग्स, मतलब दो लोगों के बारे में बात करना या फिर दो चीज़ों के बारे में बात करना. अब जैसे बोथ बॉयज आर रेडी टू प्ले द क्रिकेट, दोनों लड़के. अब यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल, क्योंकि एक से ज़्यादा है बोथ, इसीलिए हमने यहाँ पर बोथ यूज़ कर रखा है, बोथ बॉयज. तो यहाँ पर बोथ एक डिटर्मिनर है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो रखा है. दोनों लड़की क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं. नेक्स्ट है इधर. इधर क्या होता है? कोई एक, कोई भी दो चीज़ों में से. टू टॉक अबाउट पॉसिबल चॉइसेस बिटवीन टू पीपल और थिंग्स, दो लोगों या दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ के बारे में बात होना, उसे हम बोलेंगे इधर. मतलब कोई भी चीज़, इधर मतलब दोनों में से कोई भी, कोई स्पेसिफिक नहीं है. आप जैसे इधर बॉय इज़ रेडी टू प्ले द क्रिकेट, अब यहाँ पर इधर के साथ आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करोगे, क्योंकि दो में से एक चीज़ ले रहे हो. तो एक अगर नाउन सिंगल है तो इधर भी डिटर्मिनर भी सिंगुलर होगा. तो कोई भी लड़का क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है. ऐसे ही नीदर है. नीदर का मतलब कोई भी नहीं. दैट मीन्स कि आपको दो चॉइसेस दी गई हैं, दो चॉइसेस में से कोई भी एक नहीं. तो नीदर बॉय इज़ रेडी टू प्ले द क्रिकेट, तो इधर और नीदर का मतलब होता है इधर में दो में से कोई एक, नीदर में से दो में से कोई भी नहीं. तो और बोथ का मतलब दोनों. तो बोथ इधर नीदर, तो ये आपने तीनों याद रखने हैं. जैसे नीदर होता है नीदर बॉय, अब नीदर देखो कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब सिंगुलर नाउन यूज़ करोगे, काउंटेबल नाउन, उसके साथ आप नीदर यूज़ करोगे. इसका मतलब होता है कोई भी लड़का क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है. नीदर का मतलब नीदर में ही नहीं होता है, कोई भी नहीं. नीदर बॉय इज़ रेडी टू प्ले दी क्रिकेट. तो आपने याद रखना है दोनों की बात हो रही है तो बहुत, दोनों में से कोई एक है इधर, दोनों में से कोई भी नहीं है तो नीदर यूज़ करोगे. और बहुत जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, इधर और नीदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करोगे. और नीदर जो होता है, अगर आप बोलते हो कि यू कैन हैव नीदर कुकीज़ नॉर कैंडी, तुम ना तो कुकीज़ ले सकते हो ना ही कैंडी, ठीक है. तो यहाँ पर नॉर और नीदर इन दोनों का भी यूज़ किया जाता है, अगर आप दोनों चीज़ों की बात कर रहे हो. तो दोनों को इकट्ठे लिखना हो, नीदर और नॉर, तो आप इस तरह से लिखोगे. ये बिल्कुल इनसे डिफरेंट है एग्ज़ाम्पल, तो ये भी आपने याद रखना है. आपके पास ना तो कुकीज़ हो सकती है और ना ही कैंडी. नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स हैं वो है हाफ. हाफ जो होता है वो है आधा. टू टॉक अबाउट अ डिवाइडेड ग्रुप, किसी आधे ग्रुप की बात हो रही हो.
और जैसे हाफ कैन बी यूज्ड विद नाउन्स, ये वो नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं जो कि प्रोसीडेड होते हैं, या तो फिर टी एच ई डी ए एन, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ. तो आपने याद रखना है डी ए एन तो ये आर्टिकल्स हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो हो गया दिस दैट दिस दोस, और पोजेसिव आर्टिकल्स कौन से होते हैं, माई, ठीक है, जो माई योर हिज हर, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इनके साथ ये फॉलोड होते हैं. अब जैसे हाफ द बॉयज हैव ऑलरेडी लेफ्ट, अब यहाँ पर आपने डिटर्मिनर जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो हाफ है, वो नाउन को प्रोसीड कर रहा है प्लूरल को, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन उसके साथ दी है, टी एच ई दी एक क्या है, आर्टिकल है. नेक्स्ट है आई हैड हाफ अ कप ऑफ मिल्क, अब यहाँ पर देखिए हाफ कप जो है उससे पहले ए यूज़ हो रखा है जो कि एक आर्टिकल है, राइट. नेक्स्ट है यू वेस्टेड हाफ योर मनी, अब योर जो है एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, राइट, और ये हाफ जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर उसके बाद मनी यूज़ हो रखा है जो अनकाउंटेबल नाउन है. शी फाउंड हाफ दीज फ्रॉग्स इन द रिवर, अब दीज यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, तो यहाँ पर ये फ्रॉग्स हैं, ठीक है. तो हाफ जो होता है वो यूज्ड हो रहा है नाउन्स को जो प्रोसीड कर रहा है दीज एक डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर को, राइट. तो ये आपने याद रखना है. ऐसे ही ऑल है, ऑल का मतलब होता है सब, टू टॉक अबाउट द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात करना. अब इसमें क्या है, ऑल स्टूडेंट्स डिजर्व द हेल्प दे नीड, अब यहाँ पर स्टूडेंट से पहले ऑल यूज़ हो रखा है, इसीलिए ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ डिटर्मिनर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है जो इस सेंटेंस में यूज़ हो रखा है. I like all dogs. अब यहाँ पर भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसके साथ ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर यूज हो रखा है. ऑल द पीपल, अब यहाँ पर भी आप ऑल के साथ दी लगाते हो जो कि फॉलो कर रहा है नाउन को. दी द जो है वो एक आर्टिकल है जो नाउन को फॉलो कर रहा है, और आप यहाँ पर ऑल पीपल भी लिख सकते हो या फिर ऑल द पीपल भी लिख सकते हो. ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट, दोनों ही सही हैं. तो हाफ और ऑल ये सब प्रोसीड करते हैं दी ए एन डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव को. हाफ तो इन सब को प्रोसीड करता है, ऑल जो होता है वो द को भी प्रोसीड कर सकता है, तो ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स और टू इंडिविजुअल मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप, ये रेफर करता है या तो किसी लोगों के ग्रुप को या किसी भी चीज़ों का ग्रुप, या फिर उस ग्रुप के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं हर एक मेंबर्स को ये रेफर करता है. और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है दिस रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, एक ही समय पर एक पर्सन या फिर चीज़ को रेफर करता है. अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल्स हैं ईच इधर और नीदर, जैसे ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ गिफ्ट, अब यहाँ पर चाइल्ड एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ ईच डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर यूज़ हो रखा है. ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है ये विद अ प्लूरल नाउन के साथ और सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, जैसे इसके भी सेम एग्जाम्पल्स हैं ईच इधर एंड नीदर. जैसे हम सेंटेंस देखते हैं ईच ऑफ द चिल्ड्रन वॉज गिवन अ गिफ्ट, अब यहाँ पर ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और विद अ प्लूरल नाउन, यहाँ पर नाउन जो है वो प्लूरल है और वर्ब जो है वो सिंगुलर है. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ईच ऑफ द चिल्ड्रन वॉज गिवन अ गिफ्ट, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है. नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनर है नंबर्स. नंबर्स दीज डिटर्मिन
the exact quantity of nouns they precede and also determine the order and the position of something. ये determine करते हैं nouns की exact quantity को और order और position of something, किसी भी चीज़ का order किस तरह से वो हैं, उनकी positioning क्या है, ये सब numbers determine करते हैं. अब जो numbers होते हैं ये two types के होते हैं. First is cardinal, next is ordinal. कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सब, और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये सब पोजीशंस बताते हैं किसी भी चीज़ की. अब जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंसेस में नंबर डिटर्मिनर्स के, जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. और जैसे इसके सेंटेंसेस हैं शी बॉट 2 pens. अब यहाँ पर देखिए pens एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले 2 वर्ड यूज़ हो रखा है जो कि एक कार्डिनल नंबर है. ऐसे ही my 2 friends are Simran and Mary. अब यहाँ पर friends एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले 2 नंबर डिटर्मिनर का यूज़ हो रखा है जो कि एक कार्डिनल नंबर है. ऑर्डिनल नंबर्स में जैसे 1st, 2nd, 3rd ये सब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, तो इसका सेंटेंस है शी गॉट 1st prize. अब यहाँ पे प्राइज एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर फर्स्ट यूज़ कर रखा है जो कि इसकी पोजीशन बता रहा है, एक ऑर्डिनल नंबर्स हैं 1st prize. आई परचेज्ड 2nd book. बुक क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले 2nd ऑर्डिनल नंबर का यूज़ कर रखा है. सो यूज़ ऑफ बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, आप इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हो सेंटेंस में, लेकिन ऑर्डिनल्स नॉर्मली कम बिफोर कार्डिनल्स. ऑर्डिनल्स जो होती हैं वो कार्डिनल से पहले यूज़ किए जाते हैं. जैसे द 1st 3 prizes वेंट टू द सेम फैमिली. अब यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या है, वो ऑर्डिनल है, उसके बाद हमने 3 कार्डिनल नंबर का यूज़ कर रखा है, उसके बाद आपने प्लूरल जो काउंटेबल नाउन यूज़ कर रखा है, तो ये आपने याद रखना है जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो कार्डिनल से पहले यूज़ किए जाते हैं अगर दोनों का यूज़ करना हो किसी भी सेंटेंस में. नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनर है इंटरोगेटिव्स डिटर्मिनर. सो इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या हैं, दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स हैं व्हाट, विच, हुज. व्हाट मींस क्या, विच कौन सी, हुज किसकी, तो ये सब जो हैं ये एग्जांपल्स हैं इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स के. अब जैसे हमें पता है कि डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले लगता है, ऐसे ही इंटरोगेटिव डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले लगेगा, तो व्हाट, विच, हुज जो है वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स के. व्हाट का मतलब है क्या, सेंटेंस है व्हाट फूड डू यू लाइक, तुम कौन सा भोजन पसंद करते हो. तो यहाँ पे फूड एक नाउन है, उससे पहले व्हाट यूज़ कर रखा है जो कि एक इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है. ऐसे ही विच, कौन सी, अब कौन सी, कौन सा, तो विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, तो कौन से रेस्टोरेंट तुम गए, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट से पहले विच का यूज़ कर रखा है. रेस्टोरेंट एक नाउन है और विच क्या है, एक इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है. ऐसे ही हुज का मतलब है किसकी, तो हुज बुक्स आर दीज, तो यहाँ पर ये किसकी बुक्स हैं, तो यहाँ पर क्योंकि दीज प्लूरल में है तो यहाँ पर बुक्स जो हैं यूज़ कर रखा है हुज बुक्स आर दीज, तो मतलब एक से ज़्यादा बुक्स हैं, तो बुक्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले इंटरोगेटिव डिटर्मिनर का यूज़ हो रखा है. तो ये सब क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है. इंटरोगेटिव डिटर्मिनर दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन,
हमें ये पता है कि ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन नाउन से पहले लगते हैं। ऐसे ही इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, दे आर ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। ये नाउन को फॉलो नहीं करते। और इसके एग्जाम्पल्स हैं व्हाट, विच, हुज, ये सब इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे इसका सेंटेंस है, व्हाट फूड डू यू वांट। अब यहाँ पर देखिए, फूड एक नाउन है, उससे पहले हमने इंटरोगेटिव डिटर्मिनर का यूज़ कर रखा है। ऐसे ही इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं व्हाट, विच, हुज। अब ऐसे ही इसका जो सेंटेंस है, व्हाट डू यू वांट, और वर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसके बाद नाउन यूज़ नहीं हो रखा है, इसीलिए ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपने इन दोनों में कंफ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि डिटर्मिनर हमेशा नाउन को फॉलो करता है। सो ये सब थे डिटर्मिनर्स की। अब है इस पूरे लेसन की एक्सरसाइज जो कि आपने करनी है और अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। वी इनवाइटेड डैश फ्रेंड्स टू चूज़ टू आर हाउस। वी इनवाइटेड डैश फ्रेंड्स टू आर हाउस। तो यहाँ पर डैश में आप क्या यूज़ करोगे, फ्यू या फिर अ फ्यू। नेक्स्ट है, आई डोंट लाइक डैश ऑफ माई इंग्लिश टीचर्स। इधर और निधर, या तो आप इधर करोगे या फिर निधर यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, डैश चाइल्ड वॉज गिवन अ प्रेजेंट। इधर या फिर ईच, इन दोनों में से आप क्या यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, हाउ डैश मनी डिड दे स्टील। तो यहाँ पर आप मैनी यूज़ करोगे या फिर मच यूज़ करोगे, तो इन दोनों में से क्या यूज़ करोगे। तो इन सब के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो जल्दी से कमेंट्स में आप टाइप कर दीजिए। So this is all about the determiners. So kindly subscribe to this channel and thanks for watching this video. अगर आपको हमारा ये lesson पसंद आया है, आपको अच्छे से समझ आ गए हैं अपने concepts, तो जो like button है उसको press करना मत भूलिएगा. So thanks for watching this video. Thank you so much.